आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। किसान एकता जिंदाबाद। कल जो 26 तारीख को दिल्ली कूच का कार्यक्रम है, पावटा से हजारों की तादाद के नौजवान किसानों को अपने अपने साधनों से दिल्ली कूच में शामिल होना है। भाइयों, ये अग्नि परीक्षा किसानों की। अगर इस आंदोलन में अपनी जीत नहीं हुई तो दोबारा कोई भी किसान आंदोलन नहीं कर पाएगा। या तो चौधरी महेंद्र सिंह जी कहते हैं, आज से परसों पहले दिल्ली में 2,00,000 लोगों के साथ घुस के और प्रधानमंत्री जी को मांगे मारने को मजबूर किया था, और आज पिछले 1 महीने का समय हो गया, 33 से ज्यादा किसानों ने साझा देती, लेकिन दिल्ली की सरकार दस से मस्त नहीं हो रही है। वार्ता की बात जरूर करिए, कल हमें ताकत दिखानी है शाहजहांपुर बॉर्डर पे। इतना संख्या में आपको जाना है जैसे कोई कुंभ का मेला भरा हो, ऐसा नजारा ऊपर से ड्रोन और कैमरे से देखो तो ऐसा नजारा नजर आना चाहिए। पावटा और आप सब जो कोटपुतली का इलाका है शाहपुरा का, आप तो मेजबान हो, मेहमान तो पूरा राजस्थान है। आपके नजदीक बाड़मेर से जो लोग आएंगे, जैसलमेर से आएंगे, उदयपुर गंगानगर से आएंगे, 1000-1000 किलोमीटर चल के आपको पूरी ताकत से जाना है। साधन खुद को ही करने है। हर व्यक्ति तय करे कि मैं कल सुबह से जब तक किसानों की जीत नहीं होगी बॉर्डर पे, जैसा किसान लोग तय करेंगे, मिलकर हम लोग तय करेंगे, उसके अंदर आपको हर संकट में तैयार रहना, खाना खा के रवाना होना, सारे लोग हो जाओगे और हजारों की तादाद बढ़ा है। पावटा से, पावटा इस पूरे इलाके से हर किसान का बेटा, चाहे जाट, यादव, गुजर, मीणा, मेघवाल, एससी का, अल्पसंख्यक कोई भी हो, ये किसान कौम की लड़ाई है और इसे जीतना है। किसान एकता जिंदाबाद। जिस तरह महाराजा बलिदान दिवस और उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, अजय योद्धा थे, उसी तरह हमें भी वापस दिखाना देश को, हम भी सूरजमल जी के वंश से, समाज से आते हैं, किसान के बेटे, हम भी कम नहीं है, और राजस्थान का किसान भी दिल्ली हरियाणा और पंजाब के किसानों से कम नहीं। ये संदेश कल आपको दिखाना है, पहले दिल्ली का आंदोलन जीतेंगे, फिर राजस्थान की घूंगी बेरी सरकार का भी लगातार इलाज करेंगे। इसके लिए भाइयों, अश्वली केंद्र में पहले भी एक बार आया था, तब आपने जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया। अरवल की धरती वीरों की धरती है, हमेशा आजादी का आंदोलन चले थे पहले, और बाद में जितने भी किसान आंदोलन चले अलवर के किसानों ने, जवानों ने हर आंदोलन के अंदर मजबूती से भाग लिया, किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया। किसान आंदोलन प्रधानमंत्री जी जीत करके बैठ गए कि करूंगा फिर दे लूंगा। भाइयों, मैंने 12 तारीख को 15,000 से ज्यादा जवान किसानों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर खर्च किया था, और उस दिन 7 दिन का समय देश के गृहमंत्री जी ने कहा था कि हम कह रहे हैं कि 7 दिन तक इसको एक बार रोको, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया, डेफर किया, और 7 दिन तक जब कोई बात नहीं बनी, 33 से ज्यादा किसान अब तक सदन दे चुके हैं संरक्षण आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर। भाई 19 तारीख को सेवा कि 26 को 2,00,000 जवान और किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे, पूरे राजस्थान का जवान किसान देश के किसानों के समर्थन के अंदर राजस्थान की सड़कों पर नजर आएगा। मैं आपका भी जवान करने के लिए आया हूँ, पूरे राजस्थान के अंदर मैं अपील करने रह गया, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और तमाम राजस्थान आरएलपी के विधायक और पदाधिकारी कहे, मैं 2 जिलों के अंदर गया हूँ, जयपुर के अंदर और अलवर के अंदर, जहाँ मैं खुद आपको भेज रहा हूँ। इसलिए भाइयों, सब जगह जो उपस्थिति नहीं दे सका, हर छोटी गाँव से ही समर्पण अलवर जिले को कई करके वोट करके आया था, पीछे आवाज करता हूँ कि लड़ाई हनुमान परिवार की लड़ाई नहीं, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई है। कल का दिन ऐतिहासिक होगा, एक दिन आप जिससे खुद के लिए निकालते, एक दिन लोग मेला देखने भी चले जाते, एक दिन बच्चे पिक्चर देखने भी चले जाते, इसलिए कल का दिन आपको ये तय करना है कि हमें किसान कौम के मान और सम्मान के लिए दिल्ली की ओर कूच करना है और शाहजहांपुर बॉर्डर। भाइयों, मुझे तो
की अपनी संख्या 2 लाख हो गई तो बॉर्डर हट जाएगा लेकिन जब इतने सारे आ गए इनको खबर हो गए दिल्ली की तरफ जाने दो। एक बार चौधरी मनमोहन सिंह ठीक थे, बड़ा आंदोलन ठीक था, 2 लाख लोगों के साथ दिल्ली में चले गए थे, प्रधानमंत्री जी ने मनाया, सारी मांगे मानी, वो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था तो चौधरी मनमोहन सिंह ठीक है। उसके बाद देश में ये बड़ा आंदोलन चल गया। पहले मैं लोकसभा का आंदोलन नहीं था, कोरोना की छुट्टी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया, मैं अगर अंदर होता तो बिलों को फाड़ के लोकसभा में फेंक देता, ये मैं आपको बाहर जब भी आया पंचायत चुनाव थे 20-30 दिन पंचायत चुनाव में लगे और जैसे पंचायत चुनाव समाप्त हुए 12 तारीख को हजारों लोगों के साथ गया और 26 तारीख को आपका भाई रात और दिनेश पूरे राजस्थान के कोने कोने से जवान किसान अपने अपने साधनों से ऐतिहासिक किसान संघर्ष को सफल बनाने के लिए शाजापुर बॉर्डर की ओर पहुंच कर अलवर नजदीक जिला यहाँ का किसान जवान शिक्षित भी है मजबूत भी है और आंदोलन करना आप लोगों को आता है, आंदोलन आपने खूब किया इसलिए भाइयों कल अग्नि परीक्षा राजस्थान के दूसरे इलाकों से जो 1200 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं बार बार जैसे उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर से गंगाराम जयपुर से जो लोग आ रहे हैं कोटा से आ रहे हैं वो अलवर और जयपुर की भूमिका देखेंगे कि अलवर जयपुर के कितने किसान होते हैं। मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों में जाए कल ऐसा नजारा है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को कि कुंभ का मेला शाजापुर बॉर्डर में पड़ा ऐसा नजारा तो मुझे पूरी उम्मीद है जो जोर उत्साह आपके अंदर मुझे लग रहा है कि किसान मित्र सरकार को वापस नहीं करेंगे और अगर नहीं गए प्रधानमंत्री जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि देश के किसानों ने छान ली। पहले देश का किसान कहता था कि राजस्थान के किसान नहीं आ रहे हाँ तो गए राजस्थान के किसान 15,000 तो टेलर दिखा गए थे और पिक्चर कल दिखा देंगे देश को राजस्थान के जवान और किसान हरियाणा पंजाब और दिल्ली और यूपी के किसानों से कमजोर नहीं है वो भी हमारे भाई है और हमारे भाइयों ने जो शुरुआत की उसमें विजय है हम किसान को भी दिलाकर जन लेंगे। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। अलवर का जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था बड़ा योगदान था अलवर के किसान से बैठो हमेशा मेरी हर कार्यक्रम के अंदर आप लोग अंदर मैं भी समय समय पर आप लोग समान लेने आपको नहीं जाता हूँ। मैं तो भाइयों मंत्री मोदी को ठोकर मार के संतरी बढ़ के राजस्थान के अंदर अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो मान मेरी बात किसान धर्म की संतरी बढ़ के राजस्थान में सेवा कर रहा है इतना ही विश्वास दिलाता हूँ। ठोकर मैं दूंगा सत्ता मारने का मौका दूंगा। कल हंसौली और आसपास के पूरे इलाके हजारों की तादाद में ट्रैक्टर गाड़ियां बच्चे भर के निकल पड़ो इस न्याय युग के अंदर आप अपने संघर्ष को दिखा दो लड़ाई के बाद अपनी आउट दो किसान को मान और सम्मान को बढ़ाए रखो ये निवेदन कर रहा हूँ। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।